here in Kure Mal's Kulfi. So I have just right now, I have tasted Kesar Pista flavor. It's just awesome. It's revealing me Lakhnavi taste. Actually, I'm from Lucknow. It's awesome. It's tasty. इनके कुछ flavors हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि एक आम है, ऑरेंज है, अनार है, ये बड़े अच्छे हैं. और इनका एक खास होता है जिसे वो कहते हैं फालसा. तो फालसा का इनका जो आइसक्रीम है, बेसिकली वो यू कैन से इट इज़ नॉट एन आइसक्रीम, इट इज़ ए स्लश से फ्रोज करके बनाते हैं, बट देन इज़ एक्सेलेंट. उसमें जो मसाला डालते हैं इट्स आउटस्टैंडिंग. इट्स ए रेयर थिंग विच वी फाइंड इन नॉर्थ इंडिया. ये पुराने समय बहुत ज़्यादा चलता था, बट अब फालसा का अवेलेबिलिटी बहुत कम है नॉर्थ इंडिया में. साउथ में तो यानी मतलब महाराष्ट्र वगैरह में तो मिल जाता है, बट यहाँ बहुत कम मिलता है. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत. गर्मी आ चुकी है, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, गला सूखता है, तो ऐसे में क्या चाहिए? कुल्फी, आइसक्रीम, कुछ भी. लेकिन कुल्फी ज्यादा पसंद आती है लोगों को. क्यों आती है हम बताते हैं. आज हम हैं कूरे मल कुल्फी वाला शॉप में, जहाँ पर वैरायटीज के कुल्फी मिलते हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि कितनी वैरायटी की कुल्फी होती है. सबसे पहले आपका नाम? विशाल शर्मा, मैं ऑनर बोल रहा हूँ कूरे मल कुल्फी का. पहले ये मेरे ग्रैंड फादर जी ने स्टार्ट किया था, ग्रैंड ग्रैंड फादर जी ने अपना किरोड़ी मल जी, उनका फिर एक्चुअल नेम वॉज द किरोड़ी मल, बट उनका निकनेम पड़ गया कूरे मल. माई ग्रेट ग्रैंड फादर स्टार्टेड, देन इट वॉज कंटिन्यूड बाय दैट मोहन लाल शर्मा जी, देन माई फादर एंड चाचू दैट सुनील शर्मा, अनिल शर्मा, मनीष शर्मा जी, देन बाय मी एंड माई ब्रदर्स विशाल एंड हिमांशु दीपांशु एंड ऑल. जैसे कि मैं आपके शॉप में देख रही हूँ, एक स्लोगन है कुल्फी आइसक्रीम नहीं होती, कुल्फी कुल्फी होती है. तो कैसे आप इस चीज़ को अपने जो है प्रोडक्ट में पेश करते हैं, कुल्फी कुल्फी होती है कि आइसक्रीम छोड़ के लोग कुल्फी ही खाने आए? क्योंकि कुल्फी टोटली डिफरेंट है आइसक्रीम से. आइसक्रीम क्या है, बेसिकली उसको है ना फुलाया जाता है, वो पाउडर से बनी होती है, उसके अंदर काफ़ी पाम ऑयल वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होती है. और कुल्फी एक ऐसी है कि अपना सिर्फ दूध और क्रीम से बनती है, इसको सिर्फ पूरा गाढ़ा जाता है, इसको थिक किया जाता है, उससे फिर प्योर सिर्फ प्योर चीज़ इसके अंदर यूज़ होती है, लाइक मिल्क एंड क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स. तो सबसे पहले जब हमने स्टार्ट करी थी 1906 में, तो सबसे पहले सिर्फ मिलती थी केसर पिस्ता कुल्फी. उसके बाद स्टार्ट हुई अपनी मैंगो कुल्फी, क्रीम कुल्फी जिसे वो मलाई कुल्फी भी कहते हैं, या फिर रबड़ी कुल्फी अपना कह लो उसे. फिर अपना मैंगो, अनार, फालसा, जामुन, आम पन्ना, इमली, शरीफा, चीकू, लीची, गुआवा, खजूर, खुरमानी, स्टफ़ अनार, स्टफ़ ऑरेंज, स्टफ़ मैंगो, मटका, स्टिक कुल्फी. तो ये सारी वैरायटी धीरे धीरे अपना टाइम टू टाइम अपना बढ़ते गए, अपना बढ़ाते गए. फिर हमने शॉप्स ओपन करी. पहले सबसे पहले अपनी शॉप है हमारी सीताराम बाज़ार कूचापाती राम में. उसके बाद हमने ओपन करी बंगाली मार्केट, हौज खास, सीपी, प्रीत विहार, प्रशांत विहार, पश्चिम विहार, गाजियाबाद, गुड़गांव, ये सारी धीरे धीरे हमने ओपन करी. बेसिकली हमारा मेन रहता था पहले तो कि सिर्फ है ना अपना पुरानी दिल्ली में एक शॉप और पूरा ऑल ओवर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया केटरिंग करते थे हम. फिर अब जब मैंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह पूरी करी, फिर अपना जॉब करी, उसके बाद था कि स्टार्ट करना है यार अब इसको एक्सपेंड करते हैं. तो बिकॉज हर किसी के लिए ईजी नहीं होता पुरानी दिल्ली जाना, तो जब पुरानी दिल्ली जाना सबके लिए बहुत मुश्किल हो गया. तो अराउंड 6-7 ईयर्स बैक हमने सबसे पहले फिर ये बंगाली मार्केट एंड धीरे धीरे करके और शॉप्स ओपन करी, कि सबको फिर बहुत अच्छा भी लगा कि यार कूरे मल कुल्फी वाले बाहर आ गए हैं तो अब इजीली इंजॉय कर सकते हैं. ना तो लोग साल भर का वेट करते थे कि स्पेशली फॉर द रामलीला, कि रामलीला जब होएगी तब लाल किले पर जाना ईजी रहेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट ओल्ड दिल्ली. तो अब काफ़ी ईजी है, बहुत कन्वीनियंट है, तो अब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, कि फैमिलीज वालों को बड़ा अच्छा लगता है. अब लोगों के घर में कोई भी गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले वो लेके आते हैं कूरे मल कुल्फी पे लेके चलते हैं, कि यहाँ पे स्टफ़ कुल्फी मिलती है, फ्रूट के अंदर स्टफिंग होती है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया आउटसाइड कहीं पर भी नहीं मिलती है, तो सिर्फ हमारे में मिलते. तो उनको है ना लोगों को गेस्ट को लेके आते तो उनको बहुत अच्छा लगता है खिलाने में. ये हमारा राज है, इसलिए कुल्फी कुल्फी होती है, आइसक्रीम नहीं होती है. बिल्कुल सही आपने ब्रीफ किया एकदम से. अच्छा, ये प्राइस कहाँ से मतलब शुरू होता है? 50 rupees से स्टार्ट होता है, देन 90 का भी है, 110 का भी है अपना, फिर 250 का भी है. ऐसे अलग अलग वैरायटीज है, अलग अलग क्वांटिटी है, तो वैसे प्राइजेज हैं इनके. तो जैसे कि कुल्फी लोग बेहद पसंद करते हैं और ये काफ़ी पुराना भी है और लोग ढूंढ ढूंढ के आते हैं, तो इसमें अगर आप कुछ इनोवेटिव और करना चाहेंगे या अपने जो पुराने चल रहे हैं उसी में, या कुछ और नया फ्लेवर आप जोड़ना चाहेंगे इस पे? लाइक अभी रिसेंटली हमने कॉफ़ी फ्लेवर जोड़ा है, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि कॉफ़ी फ्लेवर इन कुल्फी के अंदर कैसा लगता है. तो उनको बहुत एनरिच ऑफ थिकनेस लगती है, कि यार कॉफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर. जिसको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है उन्हें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे. अब धीरे धीरे हम अब रोज़ एलमंड वगैरह फ्लेवर्स यूज इसके अंदर इन्वेंट करेंगे, तो हम हर साल नए नए फ्लेवर्स इन्वेंट करते हैं, तो जिससे कि लोगों को अपना इंटरेस्ट रहे कि है ना यहाँ पे एक नई चीज़ क्या आ रही है. अब लाइक स्टफ़ गुआवा भी 2 साल पहले ही इन्वेंट किया था,
तो ऐसे फ्री फ्रूट्स एंड डिफरेंट फ्लेवर्स लेके आते रहते हैं हम। अच्छा, आपने यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस खोल दिए हैं, तो क्या आउटसाइड इंडिया भी खोलने का कुछ सोचा है आप लोगों ने? इंडिया मेरा बड़ा मन है कि लाइक दुबई में सबसे पहले ओपन करने का, कि दुबई में बहुत डिमांड है, वहाँ से काफ़ी कस्टमर्स आते हैं और कहते हैं कि भैया यार दुबई में सबसे पहले कर लो, वहाँ तो 12 महीने गर्मी भी रहती है और हमें चाहिए होता है। अब काफ़ी कस्टमर्स दुबई लेके भी जाते हैं पैक करा के, क्योंकि लोग हम जैसे ड्राइस पैकिंग करते हैं तो 24 घंटे की पैक करते हैं, तो लोग है ना अपना फॉरेन भी लेके जाते हैं या फिर लोग यहाँ से बॉम्बे बैंगलोर ट्रैवल करते हैं तो ईजिली वो लेके जाते हैं, तो उनको बड़ा सही लगता है कि यार अपना लेके जा सकते हैं, वहाँ के लोगों को यहाँ का टेस्ट करा सकते हैं इंस्टॉल सबको लेके आना, तो ये चीज़ बड़ी सही लगती है। सबसे ज़्यादा लोगों को कौन सी वाली कुल्फी अच्छी लगती है? सबसे ज़्यादा स्टफ़ ऑरेंज, स्टफ़ मैंगो एंड केसर पिस्ता, ये तीन है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है लोगों को खाने में, और पुराना टेस्ट लगता है उनको किया जब जैसे पहले भी खाते थे वैसे अभी भी लगती है इनको। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम समझ गए कुल्फी आइसक्रीम नहीं होती है, कुल्फी होती है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बता दें कि गर्मी आ गई है और गर्मी के मौसम में जैसे आपने जो क्लिप्स हमने दिखाई उस पर भी आपने देखा कि लोग अभी से आने लगे हैं और कुल्फी के इतने शौकीन हैं, और वेराइटीज़ कुल्फी अगर मिले तो कौन नहीं आना चाहेगा। आप भी आइए यहाँ पर। मैं हूँ गार्गी, मेरे साथ है संजीव कुमार, आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।